और आज का लास्ट टॉपिक है पोटेंशियल।
और ये जो लास्ट टॉपिक है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। एक हमने किया फोर्स, फिर हमने किया ई इंटेंसिटी, फिर हमने क्या किया पोटेंशियल एनर्जी, और लास्ट इज पोटेंशियल। जो काम या जो रिलेशन फोर्स का और ई का है वही रिलेशन पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल का है। जैसे ये आपके पास अर्थ है, पोटेंशियल का सिंबल वी है, कैपिटल एम मास है, स्मॉल एम है मास है, स्मॉल आर डिस्टेंस दूर, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस जी एम एम बाय स्मॉल आर, यहां पर ये एनर्जी है। अगर मैं इस एनर्जी यू को यहां पर जहां पर मुझे पोटेंशियल निकालना है वहां पर जो भी मास पड़ा हुआ है उसे डिवाइड कर दूं, दैट इज यू डिवाइडेड बाय एम, तो जो भी इनकी एनर्जी है, मुझे मान लो यहां का पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल हर पॉइंट का चेंज होता है, जैसे फोर्स हर पॉइंट की चेंज होती है, ई हर पॉइंट का चेंज होता है, यू हर पॉइंट का चेंज हो रहा है, वी भी हर पॉइंट का चेंज होगा। तो यहां पर अगर वी निकालना है तो यहां पर जो भी एनर्जी है डिवाइडेड बाय यहां पर जितना भी मास है, छोटा एम, बड़ा एम नहीं छोटा एम, उससे डिवाइड कर दो, ये डेफिनेशन है, दैट इज एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। जैसे फोर्स पर यूनिट मास को बोलते थे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ई, एनर्जी पर यूनिट मास को बोलते हैं पोटेंशियल। तो यू का फॉर्मूला माइनस जी एम एम बाय स्मॉल आर को स्मॉल एम से डिवाइड माइनस जी एम बाय आर। तो पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, अगेन मास ऑफ प्लैनेट पे, ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता। फोर्स दोनों मासेस पे डिपेंड करती है, ई की वैल्यू प्लैनेट के मास पे डिपेंड करती है, पोटेंशियल एनर्जी दोनों मास पे डिपेंड करती है, पोटेंशियल प्लैनेट के मास पे डिपेंड करता है। इस सारी और इसमें जो यूनिट्स हैं पोटेंशियल के, जूल पर केजी, जूल पर केजी, जूल नहीं है, जूल पर केजी, एनर्जी पर यूनिट मास। इन सारी बातों को मैंने इकट्ठा कर दिया, यहां पे देखो हमने चार चीजें की, फोर्स, एफेक्टर, इंटेंसिटी ई वेक्टर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यू और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वी। ये दोनों वेक्टर्स हैं, इनको वेक्टर से सॉल्व करना है न्यूमेरिकल में, ये दोनों स्केलर्स हैं। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, इसको निकालने का तरीका, इस पॉइंट पर दोनों मास एम और एम, तो फोर्स की वैल्यू जी एम एम बाई आर स्क्वायर, दोनों मासेस पे डिपेंड करेगी फोर्स। ऐसे ही इंटेंसिटी में, जहां इंटेंसिटी निकालनी है वहां मास नहीं चाहिए, वहां कुछ भी मास, यूनिट मास ले लें प्लस वन, तो ई का फॉर्मूला जी प्लैनेट का मास बाई आर स्क्वायर, तो ई किस पे डिपेंड करेगा, प्लैनेट के मास पे। पोटेंशियल एनर्जी में माइनस जी एम एम बाई आर, दोनों मासेस पे डिपेंड करेगा, और नेक्स्ट पोटेंशियल इस मास पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ प्लैनेट के मास पे डिपेंड करेगा, माइनस जी कैपिटल एम बाय स्मॉल आर। तो चार फॉर्मूलास क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखना, इस एग्जांपल में इस डायग्राम को प्लीज ध्यान से देखें। देखो, सपोज जैसे कि इसमें दिखाया गया ये अर्थ है, जो आज हमने अभी कॉन्सेप्ट किया उसको इस डायग्राम से समझाने की कोशिश की है मैंने। अर्थ के सरफेस पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी जरूर होगी माइनस में, जैसे माइनस जी एम एम बाई कैपिटल आर, कुछ तो आता ही होगा, मान लो माइनस 10 जूल। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो माइनस 10, माइनस 9, माइनस 8, माइनस 7 करते करते बोलो एनर्जी क्या हो रही है यहां पर, इंक्रीज, ये हमने देख लिया। और एनर्जी अगर इंक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला भी क्या होता है, माइनस जी एम बाई आर, साइन माइनस आ रहा है, उसके अंदर भी फर्क एनर्जी और पोटेंशियल में एक ही तो है, मास का ही तो फर्क है, अदरवाइज अगर एनर्जी इंक्रीज होती है ऊपर जाने में, पोटेंशियल भी क्या होता है, इंक्रीज ऊपर जाने में। क्या पॉइंट क्लियर है? दोनों के साइन आगे क्या आता है, माइनस। तो ये रूल क्लियर है, पोटेंशियल एनर्जी ऊपर जाने में इंक्रीज, पोटेंशियल भी इंक्रीज, दो स्टेप्स क्लियर है।
अब ई की बात करते हैं, जो ई है वो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर पड़ा है अर्थ के, तो अर्थ का सेंटर उसे अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स कहाँ एक्ट करेगी? टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड सेंटर। तो फोर्स टुवर्ड सेंटर है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन भी टुवर्ड्स सेंटर है। इंटेंसिटी कहां पर होगी? टुवर्ड सेंटर। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में एफ होता है उसी डायरेक्शन में ई होता है। तो अगर फोर्स अट्रैक्टिव है, ऑब्वियसली अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को बाहर नहीं फेंकती, खींचती ही है। तो अगर फोर्स अट्रैक्टिव है तो ई भी अट्रैक्टिव है। तो ये डायग्राम समझ में आ रहा है? तो सारी बातें इस डायग्राम समझ में आ रही है कि ऊपर जाने में पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, पोटेंशियल कम होता है, और डायरेक्शन ई वेक्टर का टुवर्ड सेंटर होता है। ठीक है यहां तक। और एक फैक्ट भी, एज वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कहां है? टुवर्ड्स सेंटर। बोलो, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी नीचे आने में कि डिक्रीज? डिक्रीज। पोटेंशियल नीचे आने में इंक्रीज होगा कि डिक्रीज? डिक्रीज। तो एज वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, एज वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीजेस। तो ठीक लिखा हुआ है, एज वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ई, पोटेंशियल हमेशा क्या होगा? कम ही होगा। और अगर हम डायरेक्शन ई वेक्टर के ऑपोजिट मूव करें, दूर जाएं, पोटेंशियल अब क्या होगा? इंक्रीज। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो इस फैक्ट के साथ जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, तो एग्जांपल नंबर वन, कि आपके पास लेट अस सपोज तीन मासेस हैं, M1, M2 और M3, 200, 400 और